देखो हम लोग लास्ट में अपने सॉलिड वाले लेक्चर में ठीक है ना, जो है लेक्चर टू में थोड़ी देर का वीडियो थोड़ा आपका जो है करप्ट हो गया था, तो ये चीजें मुझे बतानी थी और पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी हम लोग कर रहे थे ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आपको इसको रिवाइज मार देता हूँ। तो पॉली क्रिस्टलाइन देखो नाम में ही है ना, मतलब ऐसा सॉलिड होना चाहिए सॉलिड विच है ठीक है ना, क्या होना चाहिए सॉलिड विच है ठीक है ना। स्ट्रक्चर बिटवीन क्या था वो तो डेफिनेशन याद करिए, क्या था सॉलिड विच है स्ट्रक्चर बिटवीन ठीक है ना क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस आर कॉल्ड ठीक है ना पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये डेफिनेशन तो हो गई थी सॉलिड विच है ना स्ट्रक्चर बिटवीन, यहां लिख दे रहा हूं पूरा डेफिनेशन में स्ट्रक्चर बिटवीन ठीक है ना बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, क्या था डेफिनेशन याद करिए एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन ठीक है ना, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन दिमाग में रखे रहिएगा सॉलिड विच है स्ट्रक्चर बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड आयोजन में आर कॉल्ड आपका पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो डेफिनेशन तो आसान ही है, समझ में आ गया होगा आपको आर कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड ठीक है ना। चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में देखो दो एग्जाम्पल मैंने बताए थे, एक तो एल्यूमिनियम और दूसरा क्या बताया था आपको स्टील ठीक है ना, तो अच्छे से दिमाग में इसको रखे रहिएगा। तो एल्यूमिनियम और स्टील तो ऐसे हैं जो आपके पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग ठीक है ना, अब इसके बाद देखना ध्यान से कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड एक्चुअली बनते कैसे हैं। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मतलब वो रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के वो क्या होता है कि कहीं भी इधर उधर रैंडमली फिक्स हो जाते हैं ठीक ना। तो दीज हैव रेगुलर जो है ऐसे लिख दिया जाए दीज हैव मतलब इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ठीक ना, रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है लेकिन क्रिस्टल्स कैसे फिट होते हैं, तो क्रिस्टल कहीं भी रेंडमली अरेंज हो जाते हैं ठीक ना। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ दीज हैव रेगुलर अरेंजमेंट ताकि ये क्रिस्टलाइन वाला नेचर आ जाए, दीज हैव रेगुलर अरेंजमेंट अच्छे से याद रखे रहना दीज हैव रेगुलर अरेंजमेंट दिमाग में छापते रहिए दीज हैव रेगुलर अरेंजमेंट ठीक ना, बट अच्छे से याद रखे रहेंगे बट क्रिस्टल्स आर ठीक ना, बट क्रिस्टल्स या ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स ऐसे वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स जो भी क्रिस्टल हैं रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, बट रेगुलर दीज है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स बट ठीक है ना आयोजन में रैंडमली, बट कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट आपके जो भी एटम होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट आर रैंडमली अरेंज ठीक है ना। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा रैंडमली है ना, रैंडमली क्या हो जाएगा रैंडमली अरेंज ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन जो आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, लास्ट क्लास में भी इतना मैंने बताया था। तो ये हो गया पॉलीक्रिस्टलाइन की बातें ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम कि आपका जो एमॉर्फस सॉलिड है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देख लिया जाए कि कहाँ पे यूज करते हैं कहाँ पे यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला यूज देखिए जैसे एमॉर्फस सिलिका है यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल है ना, तो ऐसा क्यों होता है आपसे रीजन पूछेगा एमॉर्फस सिलिका यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल एक्सप्लेन व्हाई। तो क्या होता है एमॉर्फस सिलिका जो होती है इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये क्वांटम एनर्जी जो लाइट की होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके रीजन में सिंपल सा एमॉर्फस सिलिका है कैपेसिटी जो भी है हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा एमॉर्फस सिलिका है कैपेसिटी अच्छे से याद रखे रहना बिकॉज छोटा थोड़ा छोटा लिखा जाए स्पेस का में इट है मतलब एमॉर्फस सिलिका के पास ही है इट है कैपेसिटी अच्छे से दिमाग में रखे रहना इट है कैपेसिटी दिमाग में छापते रहिए इट हैव कैपेसिटी टू है ना कन्वर्ट इट हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट ठीक है ना इट हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट क्वांटम एनर्जी ऑफ लाइट दिमाग में रखे रहिएगा इसको क्वांटम एनर्जी ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिमाग में इसको रख लीजिए आप ठीक है ना। फिर अगला देखिए ध्यान से मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक एंड रबर बहुत सारी चीजें आप जानते हैं ग्लास एमॉर्फस सॉलिड होता है वाइडली यूज इन लाइफ आपको अच्छे से पता है ठीक है ना। और अगला है तुम्हारा अनब्रेकेबल ग्लास और इनऑर्गेनिक ग्लास यूज इन द फैब्रिकेशन ऑफ हाउस होल्ड, तो घरों में जो खिड़कियां लगती हैं है ना वो इन्हीं ग्लासेस की बनाई जाती हैं। तो आई होप ये यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देखो कुछ चीजें ऐसी पढ़नी है
जो चीजें मतलब बगैर इसको पढ़े हम आगे जो है इस चैप्टर को डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे मतलब क्वेश्चन भी मतलब पुराने जमाने में आते थे, अभी तो नहीं आते हैं, लेकिन पूछने को तो पूछ ही सकता है, सिलेबस में थोड़ा बहुत है। तो हम लोग अब वो चीजें शुरू करते हैं इस टॉपिक का। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ना है कि जो सॉलिड होते हैं, जैसे मान लो ये अपना डस्टर ही सॉलिड है, अब ये सॉलिड का क्रिस्टल हमें पहचानना है कि इसके क्रिस्टल मतलब कैसे हैं। तो यही है तुम्हारा डिटरमिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स, और इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए क्रिस्टल का, ठीक ना। ब्रैग्स ने एक इक्वेशन दिया था जिसको हम बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो ब्रैग्स इक्वेशन देखो क्या है, ध्यान से पहले समझ लीजिए, और इसका पीडीएफ नोट थ्योरी वाला जाएगा तो आप वहां पे कॉपी कर लेना, ठीक है ना। तो जैसे देखो ब्रैग्स ने किया क्या था, ब्रैग्स ने जो है एक्सरे लिया, ठीक है ना, और एक्सरे जो है ऐसा इसने यूज किया कि जिसकी वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसने ऐसा एक्सरे लिया जिसकी वेवलेंथ इसके बीच में थी, और हुआ क्या, इसने जो सॉलिड थे सॉलिड के क्रिस्टल्स के ऊपर इसको इसने बम्बार्ड कराया। ये देखो मैं थोड़ा इसके ऊपर क्रिस्टल्स का मान लो ये लेयर वन है, ये मान लो क्रिस्टल का, उसी क्रिस्टल का ये मान लो लेयर टू है, मतलब वही डस्टर आप देखते रहिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें कई सारी लेयर है, तो एक लेयर मान लो L1 है, दूसरी लेयर को मैंने L2 भी दिया, अब मान लो तीसरा लेयर, इक्वल डिस्टेंसेस पे ये पॉइंट्स हैं, ठीक ना, इक्वल डिस्टेंसेस पे ये क्या है, पॉइंट्स है, ठीक है ना। ये मान लो लेयर तुम्हारा 3 है, अब ये पॉइंट तुम्हें समझ रहा होगा ना कि ये जो पॉइंट है एक्चुअली में कितना ऐसे लिख दिया जाए, ये जो आपका डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी एटम है ना उसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, उसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लेयर और बना दी जाए तो मान लो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब जो भी एटम है ये उसके न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, मतलब एटम ऐसे है तो ये एटम आपस में देखो टच कर रहे हैं, ऐसे में बोल दिया जाए, ठीक है ना। ऐसे देखो ये मान लो तुम्हारा लेयर हो गया फोर, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये एटम है, ये एटम तुम्हें अच्छे से पता है, स्फेरिकल हम लोग अरेंज करते हैं, तो मान लो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, और ये देखो ध्यान से ये इसका न्यूक्लियस हो गया एटम, अच्छे से थोड़ा डॉटेड करके मैं बना दे रहा हूँ ताकि समझ जाइए, देखो इसका मान लो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। तो अब देख रहे ये टचिंग कंडीशन वाली है, तो तुम्हें अच्छे से पता है ये जो डिस्टेंस होती है, याद है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी इसको हम मान लेते हैं डी, यानी दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस उसको हमने मान लिया है डी, ठीक ना। अब देखो क्या करते हैं, ब्रैग्स ने किया क्या, इसने क्या किया, इसके ऊपर एक्सरे बीम डाली, ठीक है ना। तो जब इसने एक्सरे बीम डाली तो मान लेता हूं मैं कि एक्सरे बीम आके इस वाले पॉइंट पे स्ट्राइक कर दी, ध्यान से देखना, एक्सरे आई और यहाँ आके देखो इसने स्ट्राइक कर दिया, तो ये जो कोई स्ट्राइक यहाँ कर दिया तो तुम्हें अच्छे से पता है ये सॉलिड का लेयर है, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो ये एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, तो यहाँ से जो एक्सरे बीम थी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितने एंगल में इंसिडेंट हो रहा उतने एंगल में क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये भी एंगल कितना हो गया, देखो थीटा के बराबर। अब देखना ध्यान से, मान लेते हैं दूसरी एक्सरे बीम और आई, तो वो भी एक्सरे बीम मान लो इस वाले पॉइंट को स्ट्राइक कर दी, तो ये मान लो एक्सरे बीम यहाँ वाले पॉइंट को स्ट्राइक कर दी, और यहाँ पे फिर से देखना, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ये एंगल मान लो इंसिडेंट एंगल थीटा है, यहाँ से क्या होगा, ये बीम फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल मान लो रिफ्लेक्शन एंगल थीटा है। तो अब देखना ध्यान से, ये दोनों लाइन अगर देखो ध्यान से तो यहाँ तक तो एकदम पैरेलल लाइन है, इसके बाद अगर देखेंगे देखो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं, ठीक है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं ये वाले को मैं मिला दूं, ध्यान से देखना, तो यहाँ से देखना ध्यान से, इसको अगर मैं मिला दूं इन दोनों को, ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, डी के बराबर। अब यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो यहाँ तक तो पैरेलल था, ये वाली देखो ये वाली जो रे है ये रे चल के यहाँ से यहाँ तक आई है, और ये वाली रे चल के यहाँ से यहाँ तक आई है, मतलब इस वाली रे ने इतनी डिस्टेंस देखो एक्स्ट्रा ट्रेवल की है बस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। तो आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना, बस इतना थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में रखे रहिएगा। तो जब इसने एक्सरे पास किया तो ये देखना कि जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इस रिफ्लेक्टेड लाइट का मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, ठीक ना, मतलब जब भी एक्सरे के ऊपर हम लोग डालेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो हमें कब मिलती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, फॉर, ठीक ना, रिफ्लेक्टेड जो भी रे है, फॉर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, हमेशा याद रखो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें कब मिलती है, फॉर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपीयर्स, अच्छे से याद रखो यही ब्रैग्स लॉ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपीयर्स व्हेन, ठीक है ना, क्या होता है तुम्हारा साइन थीटा, ठीक है ना, मतलब जो इंसिडेंट एंगल है उसका हम लोग साइन ले लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है तुम्हारा
बाकी देखो क्या होगा, इसकी वेवलेंथ आपने मानी है देखो लैम्डा, तो आप देखना ध्यान से ये यहां से पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया एंगल, आप देखेंगे ये पूरा एक ट्रायंगल, आप चाहो कि ये पूरा ट्रायंगल अलग कर दो, ये और ये, मतलब ये पूरा ट्रायंगल चाहो तो आप अलग कर, स्टार बना दे रहा हूं मैं पॉइंट, अच्छे देख लीजिए इसको लेके सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये देखना ध्यान से, यानी जो भी रिफ्लेक्टेड रे है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होगी जब ये ठीक है ना साइन थीटा की वैल्यू ये होगी। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से देखो क्या हो गया, एल लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 2d sin थीटा, l lambda is equal to क्या हो गया 2d sin थीटा, ठीक है ना। तो यही जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन, क्या बोलते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन। सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखना ध्यान से यहाँ पे लेमडा क्या है, तो लेमडा क्या है तुम्हारा अच्छे से पता है, वेयर करके लिख दिया जाए सारे पैरामीटर ताकि न्यूमेरिकल बने, ठीक ना। वेयर लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ठीक ना, वेवलेंथ किसका है ये देखो एक्सरे का, ठीक है ना। फिर अगला देखेंगे ध्यान से, थीटा क्या है भाई, थीटा है तुम्हारा इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना, इंसिडेंट एंगल जहां पे एक्सरे आपकी स्ट्राइक करेगी कितना इंसिडेंट एंगल है, ठीक है ना। और फिर देखना ध्यान से डी क्या है तुम्हारा, तो ये है डी तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन लेयर, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन जो है आपका लेयर ऑफ सॉलिड, जो भी बोलिए डिस्टेंस बिटवीन, ठीक ना, लेयर ऑफ सॉलिड्स अच्छे से याद रखे रहिएगा। और जो n है, ठीक है ना, n क्या बताता है देखो, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, n क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये ध्यान में रखे रहिएगा, n क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। यानी अगर देखो ध्यान से, n की वैल्यू अगर 1 हो जाए, इफ n इक्वल टू क्या हो जाए 1, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, क्या है तुम्हारा ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। अगर हम लोग n की वैल्यू 2 बोल दें तो ये क्या हो जाएगा देखो, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये है ब्रैग्स इक्वेशन, समझ में आ गया होगा आपको, इसका पीडीएफ नोट्स जाएगा तो आप प्लीज उस नोट्स को कॉपी कर लेना, ठीक है ना। तो बहुत चीजें लिखनी पड़ेगी, मतलब डेफिनेशन अगर बोलूं तो ब्रैग्स ने क्या किया था, एक्सरे लिया और एक्सरे ऐसा यूज किया इसमें जिसकी वेवलेंथ कितने कितने बीच में हो, 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, और इसमें सॉलिड क्रिस्टल्स के ऊपर देखा, तो ये ऑब्जर्व किया मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें रिफ्लेक्टेड रे की कब मिलती है, जब साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d होता है। और फिर इसको बाद सॉल्व कर लेंगे तो एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, तो देखो हम लोग ये जरा ब्रैग्स पे दो न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल होमवर्क है और एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखना जब फर्स्ट वाला भी न्यूमेरिकल है, अच्छा एक बात और, कल लेक्चर 2 में, ठीक ना, आपको देखेंगे तो आपको लेक्चर 2 में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। उस डिस्क्रिप्शन से उसमें नोट के कुछ पॉइंट थे, अब वो नोट के पॉइंट आज आप पढ़ लीजिएगा आज का लेक्चर देखने के बाद, ठीक है ना। तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए वो नोट पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और बाकी ये भी न्यूमेरिकल करते हैं इसका जो है समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस हैविंग एटम प्लेस्ड एट डिस्टेंस इतना, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन दे रखा है और अपने को वेवलेंथ एक्सरे, वेवलेंथ इतना है और क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के साथ में कितना एंगल आएगा वो अपने को निकाल लेना है। तो हम लोग देख लेते हैं, तो अब देखो फॉर्मूले अगर हम लोग बाद में पहले का सोल्यूशन में कर रहा हूँ, तो अब देखना ध्यान से तुम्हारे पास फॉर्मूला है, ठीक ना, एन डी है ना, मतलब जो आपका फॉर्मूला अगर देखो ध्यान से, तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को पहले आप लगाइए। तो ब्रैग्स देखो तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, उस फॉर्मूले को यूज किया जाए तो काम बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था बोलो, एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, 2d साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ध्यान से फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए देखो दे रखा है एन की वैल्यू 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लैम्डा की वैल्यू तो वही है भाई 1.82 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। डिस्टेंस जो है आपका लेयर्स के बीच में वो देखो कितना है 2.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं भाई, वन इंटू है ना, कितनी वैल्यू हो गई 1 into 1.82 है ना, ये आपका हो गया इक्वल टू देखो 2 into डी की वैल्यू क्या है 2.77 है ना, देखो 2.77 और इंटू क्या हो गया देखो साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहां से क्या करिएगा, साइन थीटा की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो साइन थीटा की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, मेरे पास आंसर इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 9.2 डिग्री, ठीक है ना, कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये 9.2 डिग्री, ठीक ना। चलिए ये साइन थीटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए इतना मिल जाएगा तुम्हें 9.2 डिग्री, ठीक है। फिर अगला देखते हैं बी के लिए, अब बी में देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 2 हो जाएगी,
लैम्डा की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं, 1.82 एंगस्ट्रॉम। डी की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी कितना रहेगा, 2.77 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे हम लोग साइन थीटा निकालते हैं तो 2 × 1.82 ठीक ना, इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा आपका, ठीक ना, 2d साइन थीटा यानी 2 × 2.77 और ये क्या हो गया देखो साइन थीटा। यहाँ से भी आप साइन थीटा सॉल्व कर लीजिए तो साइन थीटा जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 41.1 डिग्री, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। सेकेंड वाला क्वेश्चन आप घर पे सारा सॉल्व करिएगा। एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था पहले, इसलिए इस बात को जरा मैं नोट में करके लिख देता हूँ, ठीक ना। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, मतलब बस मैं तुम्हें वही नोट के लिए स्टार बना के लिख दे रहा हूँ। आप देखो ध्यान से, जैसे दिमाग में क्या रहा था कि अगर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में जो एंगल है, ठीक है ना, बस में फर्स्ट ऑर्डर में जो साइन थीटा आ रहा है, मतलब जो एंगल है, देखो अगर यहाँ निकालो, मान लो थीटा निकालो, ठीक ना, तो थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 19.2, और यहाँ अगर तुम थीटा निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स और तुम्हारा 41.1 डिग्री हो जाएगा ना इधर से। तो यहाँ से अगर देखो ध्यान से, तुम थीटा मान लो फर्स्ट ऑर्डर का थीटा इतना है, तो सेकेंड ऑर्डर आते ही दिमाग में क्या रहा होगा कि जो थीटा है इस फर्स्ट ऑर्डर का डबल होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए क्या इसका डबल है क्या, ये नहीं है। तो मैंने क्या बोला था आप याद करिए, जो हमें थीटा देखना है वो हमें क्या देखना है, हमें देखना है साइन थीटा, मतलब हमें एंगल नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, साइन थीटा देखना है, साइन थीटा की वैल्यू देखनी है, क्लियर हुआ ना। हमें ये नहीं देखना है कि थीटा कितना हो गया, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उससे लेना देना नहीं है, उसके साइन से लेना देना है, मतलब कितना साइन है, ये बात अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखो अब हम लोग को छोटी छोटी डेफिनेशन है जो सॉलिड में आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो बार बार वर्ड यूज होगा क्रिस्टल, है ना, तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जैसे जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक ना, उसके एक पार्ट को हम लोग अगर स्टडी करने के लिए ऑब्जर्व कर लें, जिस पार्ट को, जैसे मान लो ये पूरा आपका, ये पूरा एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इसमें हम क्या करें, इतने पार्ट को पकड़ के इसकी स्टडी करें, तो इसी पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टल्स। और क्रिस्टल्स जो होती है ना, याद रखे रहना, वो किससे बनती है, यूनिट सेल से, ठीक ना, किससे बनती है, यूनिट सेल से, ठीक ना। और जो यूनिट सेल होती है, ये देखो मैंने उनका यूनिट या एग्रीगेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट या यूनिट सेल, तो ये जो आपका क्रिस्टल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूनिट, ये हाईली ऑर्डर्ड होता है, मतलब अगर देखिए ध्यान से आप इस डस्टर को, तो जैसा एक आपको इसमें जो है पार्टिकल नजर आएगा मान लो, वैसे सारे पार्टिकल नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये देखा गया है कि जो हम लोग सॉलिड स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड के जो आपका क्रिस्टल है उसको हम लोग, या जो भी सॉलिड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या इसका जो यूनिट सेल है, इसको हम लोग क्यूबिकल जैसा मानते हैं, क्यूब जैसा मानते हैं, ठीक है ना, अच्छे से याद रखे रहना। तो ये हम लोग सारी स्टडी इसी क्यूब के लिए करने वाले हैं। अब देखो इसमें जो ये जो इसकी एज है, ये सब एज इक्वल लेंथ की है, भले आपसे छोटा बड़ा इसे मुझे बने, तो आप इसको सबको इक्वली मानना आप, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। अब क्या करिए, इसी को रिपीट करते चले जाइए और आपको पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये, मतलब कोई भी घर है तो उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है तो ब्रिक है। अब आप क्या करिए, जो ईंटे हैं, ईंट मतलब ब्रिक है ना, आप उसी ब्रिक को रिपीट करते करते कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो पूरा जो बिल्डिंग बन गई वो अच्छी बिल्डिंग हो गई, मतलब वो समझ लीजिए आपका फ्रीज स्ट्रक्चर वाला घर हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, ऐसे समझिए आप। और उसमें जो यूनिट है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको जोड़ जोड़ के वो घर बनाया गया, वो घर बनाने में क्या यूज हुआ था, ब्रिक, ठीक है ना। तो ये वही ब्रिक है, यही वो सॉलिड का ब्रिक है, जिसको जोड़ जोड़ के आप कोई भी सॉलिड बना सकते हैं, अच्छे से ध्यान में रखते रहिएगा। इसके बाद देखो ध्यान से, क्रिस्टल्स आर कैटेगराइज्ड बाय फॉलोइंग पैरामीटर, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। फेसेस, सबसे पहली चीज क्या है, फेस। तो जैसे देखो ये क्रिस्टलाइन है, ठीक है ना, अब ये अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो आपको देखो एक फेस ये नजर आ रहा है, एक फेस ये नजर आ रहा है, ये क्या होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, ठीक ना। मतलब अगर फिर अगर देखिए नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, फोम है ना, तो फोम क्या होता है, ध्यान से देखते रहना, एक डेफिनेशन में इसी डायग्राम से क्लियर करता हूं तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो फेस देखो अगर ध्यान से इस डायग्राम में, तो फेस इस डायग्राम में देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं बोलूंगी जरा फेस देखो आपको अच्छे से,
तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं ब्लू पेन से हाईलाइट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। ये देखो पूरा इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो आप देखेंगे ये पूरा चीज क्या है, देखो फेस यही है, ये देखो एक फेस है ये, ठीक ना। इसको पूरा मैंने देखो डार्क कर दिया, अच्छे से इसको समझ गए होंगे आप, एक ये पूरा फेस है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया सबको। तो फेस क्या होते हैं अगर एक्चुअली में देखिए ध्यान से, तो प्ले जो फेस होते हैं वो अगर देखो तो क्या है कि एक प्लेन होता है फेस। एक्चुअली में अगर देखो ध्यान से, तो ये वाला तुम्हारा फेस मैंने बनाया, देखो ध्यान से, तो फेस एक्चुअली में क्या होता है, एक प्लेन होता है जो कि बहुत ही ऑर्डर पैटर्न में अरेंज होता है। फेसेस क्या होते हैं, फेसेस आपका एक प्लेन होता है जो हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर अरेंजमेंट इसका बना के लिखते हैं, ठीक ना। तो ये ऑर्डर अरेंजमेंट आप जो है प्लेन का जोड़ दीजिए तो आपको एक फेस मिल जाएगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका पीडीएफ नोट आपको जो है लिंक में आज वाले, ठीक है, आज के लिंक में ये नोट्स आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको थोड़ा कॉपी भी कर लीजिएगा अपने नोट्स पे, ठीक है ना। तो ये देखो क्या होगा, एक प्लेन है और ये प्लेन क्या होता है एक्चुअली में, तो प्लेन का अगर आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फेस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और ध्यान में रखते रहिएगा, मतलब जैसे आपके पास क्रिस्टल्स है ना, तो उनके जो फेस होते हैं, मान लो हमने ये फेस बना लिया, तो ये फेसेस जो होते हैं ना, हो सकता है कि सारे फेस एक जैसे हों, हो सकता है जो भी आपका सॉलिड है उसमें सारे फेस एक जैसे हों, और हो सकता है कि डिफरेंट भी हों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, अच्छे से याद रखे रहना, सारे फेसेस हो सकता है कि इक्वल हो, सारे फेसेस क्या हो, इक्वल क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सारे फेसेस हो सकता है सेम हो, और हो सकता है कि जो फेसेस हैं एक ही सॉलिड के, ठीक है ना, ये डिफरेंट हो जाए। जैसे देखो आपसे पूछता है डिफरेंट फेस का एग्जाम्पल बताइए, तो दिमाग में इसको छाप के रखे रहना, ठीक ना। जैसे सेम फेस का एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं, तो सेम फेस के एग्जाम्पल में आपका फ्लोर स्पार है, ठीक ना। अच्छे से ये आपको जो है जब आप लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी तो वहां भी ये समझ में आएगा, ये ओर है, ठीक है ना। और जो डिफरेंट फेज में है, जो डिफरेंट फेज में है उसकी हम लोग जब बात करेंगे, उसका अगर एग्जाम्पल तुमसे पूछे तो ये भी याद रखे रहना। जैसे गैलना है ना अपना, इसको भी आगे आपको बताया जाएगा गैलना, ठीक है ना। तो गैलना जो होती है इसमें देखेंगे कि फेसेस सेम नहीं होते हैं, ये दोनों अच्छे से याद रखे रहना। फेसेस जिसमें सेम होते हैं तो वो हम लोग एग्जाम्पल बोलेंगे फ्लोर स्पार, और जिसमें डिफरेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैलना। तो आई होप आपको फेसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोम, ठीक है ना। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं कि फोम क्या होता है, ठीक है ना। तो फिर से ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा और इसी से आपको सब समझ में आएगा कि फोम क्या होता है, ठीक है ना। तो आप देखना ध्यान से, स्ट्रक्चर वो बनेगी तभी आपको समझ में आएगा कि फोम क्या है। ये देखो मैंने क्यूब बनाया, ये देखो क्यूबिकल सबसे पहले बेसिक यूनिट मैंने बना दी। अब बेसिक यूनिट जब बन गया, ये देखो इसका बेसिक यूनिट है और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। बेसिक यूनिट बनने के बाद अब फेस समझ में आ गया, अब हमें क्या बनना है, हमें पढ़ना है फोम क्या होते हैं, ठीक ना। तो फोम क्या होते हैं कि जो तुम्हारा, ठीक है ना, मतलब जो तुम्हारे फेसेस होते हैं, सारे फेसेस को हम लोग कलेक्टिवली, ये देखना जो भी तुम्हारे फेसेस हैं, जैसे एक फेस ये हो गया, ठीक है ना, ये देखो एक फेस ये टॉप वाला फेस हो गया, ध्यान देखते रहना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये हो गया टॉप फेस, फिर अगला देखो ये सामने वाला फेस हो गया, ये वाला, ये देखो सामने वाला फेस हो गया, ये वाला पूरा फेस, ये वाला फेस देखो नीचे वाला फेस हो गया, इधर बना दो, ये देखो नीचे वाला फेस हो गया, और इसके पीछे देखो ये वाला फेस छुपा हुआ है, तो ये फेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो फोम क्या होते हैं, फोम होते हैं जितने भी फेसेस होते हैं, ऑल फेसेस करस्पॉन्डिंग टू अ क्रिस्टल, ऑल फेसेस करस्पॉन्डिंग टू अ क्रिस्टल आर सेड टू बी फोम्स, ऑल फेसेस करस्पॉन्डिंग टू एनी क्रिस्टल्स आर कॉल्ड फोम, ठीक है ना। तो ये आपको भी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपना एज, ठीक है ना। तो एज क्या होती है ये देखा जाए, ठीक है ना। तो एज देखो ध्यान से, फिर से वही क्रिस्टल बनाऊंगा और तुम्हें एज में समझा दूंगा, ठीक ना। एज देखो क्या होती है, एज मतलब साइड आप जानते ही हैं, ठीक ना, लेकिन थोड़ा समझ जाइए तो कुछ आपको और अच्छा लगेगा। ये देखो क्रिस्टल था अपना, क्रिस्टल हमने बना लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, एज, ठीक ना। तो एज क्या होता है, इट इज अ प्लेस, ऐसे समझिए, इट इज अ प्लेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एडजेसेंट फेसेस, है ना, मतलब जहां पे एडजेसेंट फेसेस आपस में इंट्रैक्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज। तो ये देखो जैसे एक फेस ये है और यहाँ पे बाहर वाला फेस है, देखो ध्यान से ये वाला,
ये मान लो अंदर वाला फेस है, ये कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, 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 इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, एज बोला करते हैं। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपना जोन एंड जोन एक्सिस, ठीक है ना। तो जोन और जोन एक्सिस क्या होते हैं, तो सेट ऑफ फेसेस ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है ना, मतलब जो सेट ऑफ है, जो भी आपका सॉलिड है उसके कई सारे फेसेस का सेट बना लीजिए और उसको आप अरेंज कर दीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन, ठीक है ना। और जो है जोन एक्सिस क्या होती है, उस जोन में एक एक्सिस हम लोग जो है एज्यूम कर लेते हैं जिसके अराउंड में क्रिस्टल्स क्या होते हैं, हो सकता है सेम हो जाए, हो सकता है डिफरेंट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन एंड जोन एक्सिस। और नेक्स्ट पैरामीटर है तुम्हारा इंटरफेसियल एंगल, तो इसको जरा ध्यान से देखिए इंटरफेसियल एंगल क्या है, ठीक है ना। इंटरफेसियल एंगल ये फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा और उसी से सब तुम्हें समझ में आएगा। ये तुम्हारा देखो सॉलिड है ना, ये तुम्हारा सॉलिड था और ये सॉलिड की थी यूनिट सेल, है ना। देखो क्यूब अगर ना भी बने, आप इसको प्लीज क्यूब मान के पढ़िएगा, ठीक ना। ये सॉलिड हो गया, अब हमें क्या करना है, देखना ध्यान से इंटरफेसियल एंगल समझना है। तो ये देखो एक्सिस में ड्रॉ कर दू, ये मान लो तुम्हारा ये एक्सिस और ये मान लो तुम्हारा ये एक्सिस, ठीक है ना। इसको ज़ूम कर लेता हूँ, मान लो एक्स एक्सिस है, इसको ज़ूम कर लेता हूँ वाई एक्सिस है, इसको ज़ूम कर लेता हूँ जेड एक्सिस है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस यहाँ कट कर रही है ये भी देखा जाएगा बाद में, इसको ए मान लो, ये जो डिस्टेंस कट रही है इसको मान लो बी है, और ये जो डिस्टेंस कट रही है ये मान लो तुम्हारा सी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, ठीक ना, इस लाइन के या इस पॉइंट के, उसको मान लेते हैं अल्फा, इसके एंगल को हम लोग मान लेते हैं बीटा, और इसके एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा। यही चीज क्या है, इंटरस्टीशियल एंगल, यही तो है इंटरफेसियल एंगल, यही तो है जहां पे फेसेस आपस में मिलते हैं, जिस एंगल में मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेसियल एंगल्स, ठीक है ना। अब देखो ये जो इंटरफेसियल एंगल है और जो इनके साइड की लेंथ है ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ, इसको हम लोग बोलेंगे एज लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड इंटरफेसियल एंगल, ठीक है ना। क्या होता है, देयर आर सेवन टाइप ऑफ बेसिक यूनिट सेल, जो है सेवन टाइप ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर। तीन पैरामीटर कौन से हैं, देखो एंगल के, और तीन पैरामीटर कौन से हैं, देखो एज के। तो ये तीनों मिला के टोटल सेवन टाइप के बेसिक क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग नाम से जाना करते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। तो लॉज ऑफ कंसिस्टेंसी और लॉज ऑफ स्टीरियोग्राफी में हम लोग इसको थोड़ा सा बता दूंगा आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। जैसे एक टर्म है मिलर इंडिसेस, ठीक है ना। तो मिलर इंडिसेस फिलहाल सिलेबस में नहीं है अपने, हायर क्लासेस बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होगा, फिलहाल अभी मिलर इंडिसेस का इतना कोई काम नहीं है। तो लॉज ऑफ स्टीरियोग्राफी में बस थोड़ा सा आप दिमाग में रखे रहिएगा, मिलर इंडिसेस और आपका लॉज ऑफ कंसिस्टेंसी है, लेकिन लॉज ऑफ कंसिस्टेंसी और मिलर इंडिसेस बहुत ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए थोड़े से बेसिक टर्म जो हमें इस चैप्टर में यूज आएंगे। तो देखो हम लोग जो है लॉज ऑफ, है ना, स्टीरियोग्राफी दो लॉ पढ़ने अपने को, तो उसका डिस्कशन करेंगे नहीं, बस इतना आप जानो, ठीक ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ। तो आप देखो एज लेंथ अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो तुम्हारा जेड एक्सिस है। तो मान लेता हूं मैं कि ये वाली जो एज लेंथ है यहां से यहां तक ये ए है, ये वाली जो एज लेंथ है ना, इसको मान लेता हूं मैं कि बी है, ये वाली जो एज लेंथ है ये वाली, इसको मान लेता हूं मैं सी है। अब इंटरफेसियल एंगल देखो, ए के सामने वाले एंगल को मान लेता हूं मैं अल्फा है, बी के सामने वाले एंगल को मान लेता हूं मैं कि बीटा है, और इस सी के सामने यानी जो जेड का एक्सिस है उसके सामने वाला जो इंटरफेसियल एंगल है उसको गामा मान लेता हूं। तो तीन पैरामीटर साइड के हो गए और तीन पैरामीटर हो गए अपने इंटरफेसियल एंगल के। इसके बेसिस पे सेवन बेसिक, है ना, यूनिक आपका बेसिक क्रिस्टल बनता है, अच्छे से आप इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ चीजें और है अपने को जो पढ़नी है, और वो हम लोग डिस्कस करने के बाद फिर से यहाँ पे लौट के आएंगे, ठीक है ना। इसको नोट में करके आप जरा नोट करके जो है लिख लीजिएगा, ठीक, पीडीएफ नोट्स रहेगा तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला अपने को पढ़ना है टाइप ऑफ सिमेट्री, है ना, मतलब जो भी आपके पास सॉलिड है उसमें हम लोग देखेंगे, यानी जो क्रिस्टल है अपने पास या सॉलिड है उसमें कितनी टाइप की सिमेट्री हो सकती है, तो इसकी भी स्टडी अपने को करनी है। टाइप ऑफ सिमेट्री अच्छे से याद रखे रहना, टाइप ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स, ठीक है, टाइप ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स।
क्रिस्टल में कितने टाइप की सिमेट्री है इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो सिमेट्री इन क्रिस्टल, अब देखना सिमेट्री, जैसे आपने सर जो है आपको याद हो तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब ये मैं लेके आया हूं तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग देखेंगे। ये देखो ध्यान से, ये एक क्यूब है ना, क्यूब आपको दिख रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है इस क्यूब को, इसमें देखना ध्यान से, हम लोग सिमेट्री देखने वाले हैं कि भाई कितनी सिमेट्री इसमें हो सकती है। तो खूब अच्छे से देखो, ये क्यूब तुम्हें दिख रहा है ना। अब इस क्यूब में हमें सिमेट्री खोजनी है। सिमेट्री मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट आप इसमें खोजो, पहले कितनी टाइप की होती है पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, सिमेट्री इन क्रिस्टल्स, ठीक ना, जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री अच्छे से दिमाग में रखे रहना, सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर हमें पढ़ना है, ठीक ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री ध्यान में रखे रहना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। और फिर हमें पढ़ना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो ये तीन सिमेट्री हमें पढ़नी है, जो भी आपके क्रिस्टल्स हैं उसके लिए तीन टाइप की सिमेट्री हमें पढ़नी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब सिमेट्री क्या होती है, जैसे मान लो हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सॉलिड में अगर ध्यान से देखिए, ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिसके अप्रॉक्स में, जिसके राउंड में ये क्रिस्टल आपको सेम नजर आए। तो मतलब क्या होगा, देखना ध्यान से, मतलब अगर हम लोग मान लो ये क्रिस्टल बना रहे सेंटर ऑफ सिमेट्री, ध्यान से देखना, तो मान लो ये अपना क्यूब है, अब इसी क्यूब को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो इसको मैं 2D से देखो, इसको आपको ये हो गया एक आपका प्लेन, और ये देखो ध्यान से सबकी साइड भाई लेंथ सेम है, छोटा बड़ा बन रहा हो तो आप इसको इक्वल मान के पढ़ाई करिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये आप स्केल लेके खींचू मैं तो इतना टाइम तो है नहीं, आप अच्छे से यहाँ पे ये देखो एज्यूम कर लो सबकी साइज सेम है, एक मैंने क्यूब बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐसा सेंटर खोजना है जिसके अप्रॉक्स में ये क्रिस्टल आपका सेम हो जाए। तो अब देखो ध्यान से, तुम्हें अच्छे से पता है, अगर ये पॉइंट मैं ले लूं तो अब देखो इसके अप्रॉक्स एकदम बीच में इस पूरे सॉलिड के अंदर में एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है इमेजिनरी पॉइंट, ठीक है ना। मतलब किसी भी सॉलिड में एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है, जनरली वो उसका ग्रेविटी सेंटर होता है, ठीक ना। तो क्रिस्टल है, जो भी तुम्हारे पास क्रिस्टल रहते हैं अच्छे से याद रखते रहना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है इमेजिनरी पॉइंट, अच्छे से याद रखते रहना, इमेजिनरी पॉइंट विद इन द क्रिस्टल, अच्छे से याद रखो, इमेजिनरी पॉइंट विद इन द क्रिस्टल, मतलब जो भी तुम्हारे पास सॉलिड है, ठीक ना, विद इन द क्रिस्टल, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या, इसके अप्रॉक्स में क्या होगा, सॉलिड आपका सिमेट्रिकल होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हमेशा याद रखो सेंटर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट होते हैं, और हमेशा याद रखो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है ये जनरली उस सॉलिड का ग्रेविटी सेंटर होता है, जनरली क्या होता है उसका जो है ग्रेविटी सेंटर होता है, अच्छे से आपको पता होगा ग्रेविटी सेंटर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जांपल तुमसे मैं बोलूं मैं मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो आप बताइए जरा इस ट्रायंगल का कहां पे मिलेगा आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तुम्हें अच्छे से पता है, इसका क्या मिल जाएगा, सेंट्रॉइड, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना, ग्रेविटी सेंटर इसका क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। अगला हम लोग देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जैसे आपका ये सॉलिड है इमेजिनरी प्लेन, है ना, ये मान लो आपका एक सॉलिड है, इसके बीच में ऐसा प्लेन आप एज्यूम कर लो जो इस सॉलिड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, उसी प्लेन को अपन क्या बोलेंगे, प्लेन, उस सिमेट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मान लो अपने पास एक सॉलिड है, इसमें मैं क्या करना है, इमेजिनरी प्लेन खोजना है जिससे हमें ये पता चल जाए, ठीक है ना, कि इस सॉलिड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देखो ध्यान से, ये सॉलिड है, अब इसमें हम लोग इमेजिनरी प्लेन कितना बना सकते हैं कि इसको हम दो पार्ट में अलग अलग कर दें। तो एक तो देखो क्या है कि मैं ऐसे बीच से काटूं, ध्यान से देखते रहिएगा, इसको मैं क्या करूं, ऐसे बीच से काटूं, देखो एक प्लेन ये हो गया, ठीक है ना, या क्या करूं, देखो एक प्लेन ऐसे मिड से इसको पकड़ के इसको ऐसे से काट दूं, देखो ये भी आपको बीच से कट कर देगा, क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो गए आपके, अब यानी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पहले इसकी आप ध्यान से देखिए, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसको पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो होती है दो टाइप की,
एक होती है तुम्हारी, ठीक है ना, एक होता है तुम्हारा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक होता है तुम्हारा, ठीक ना, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दो टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, एक तो होगा रेक्टेंगुलर। पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं मैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है इमेजिनरी प्लेन, अच्छे से याद रखते रहना, इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड, इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड, अच्छे से याद रखते रहो, विच डिवाइड, ठीक है ना, सॉलिड या जो भी आपके पास क्रिस्टल है, अच्छी बात रहेगी, विच डिवाइड क्रिस्टल्स इनटू टू इक्वल हाफ, डिवाइड क्रिस्टल इनटू टू इक्वल हाफ, क्रिस्टल इनटू, ठीक है ना, टू इक्वल हाफ, अच्छे से याद रखते रहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में COS बोलते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री को POS बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है दो टाइप की होती है, एक होती है तुम्हारी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी तुम्हें सब दिखाऊंगा अभी मैं। ये देखो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक होता है तुम्हारा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक क्या होता है तुम्हारा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इसको देखिए तो हम आपको इसी में समझा देंगे, इसी में समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि अपने पास ये सॉलिड है ना, क्यूब जैसा ये अपना सॉलिड है, हमें क्या करना है, इसमें ऐसा इमेजिनरी प्लेन खोजना है कि हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें। तो देखो क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन इधर से ऐसे सोच लीजिए आप, तो देखो एक रेक्टेंगुलर प्लेन ये है जिससे हमने इसको क्या किया, इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखते रहना, एक देखो रेक्टेंगुलर प्लेन ऐसा है तुम्हारा जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में देखो डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इस चीज को हमें यहाँ दिखाना है, तो ध्यान से देखना, हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। ये देखो एक फेस हो गया, अब इसको मैं थोड़ा आपको दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखना ध्यान से, ये है आपका, ये है, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर प्लेन इसमें खोजना है ताकि हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, रेक्टेंगुलर प्लेन हम लोग बना देते हैं, आपको देखना है, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, सब इसका आधा आधा कर लेते हैं हम लोग। तो अब देखो अगर इसको मैं इस प्लेन को ऐसे ऐसे काट दूं, ऐसे ऐसे अगर काट दूं इस चीज को, ठीक है ना, इस चीज को ऐसे ऐसे अगर काट दूं, तो एक प्लेन देखो आपको मिल गया जिसके अप्रॉक्स में इसको दो इक्वल हाफ में हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। ऐसे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे देखो इस वाले ऊपर वाले को यहां से यहां मिला दिया, यहां से देखो हमने क्या किया, यहां मिला दिया इक्वल हाफ में, देखना है, और फिर देखो इसको लेके यहां मिला दिया, और फिर देखना ध्यान से, ठीक है ना, इसको लेके देखो यहां मिला दो, तो ये देखो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ा तिरछा बन गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसी में ध्यान देखते रहना, ये भी समझ में आएगा। तो अब हमारे पास देखो डायगोनल वाले यानी डायगोनल के प्लेन पास कराना है, ठीक है ना। तो अब ये मान लो तुम्हारे पास एक क्यूब जो है क्रिस्टल है, हमें क्या करना है, डायगोनल प्लेन सिमेट्री खोजनी है। तो जरा डायगोनल प्लेन सिमेट्री खोज लीजिए, सॉरी, तो ये देखो अब हम लोग इसमें खोजते हैं जरा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, इसी सॉलिड में सब समझते रहिए। तो ये देखिए ये आपका एक सॉलिड का क्रिस्टल हो गया, अब हमें क्या करना है, इसमें डायगोनल प्लेन खोजना है। तो डायगोनल प्लेन कैसे खोजेंगे, ध्यान से देखो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको मिलाएंगे तो ये हो गया डायगोनल, ठीक है ना। इसके नीचे भी देखो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इसको मिला देंगे तो क्या हो गया डायगोनल। तो अब अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पर मिला दूं, तो ये क्या हो गया, देखो डायगोनल प्लेन हो गया, मतलब ऐसा प्लेन जो डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद बन रहा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। बात क्लियर हो गई ना। चलिए ऐसे ऐसे देखो ये एक डायगोनल इधर है, ऐसे इधर भी कर सकते हैं, देखो एक डायगोनल इधर, फिर इधर से देखो हमने क्या किया, इसके नीचे भी देखो एक डायगोनल ऐसा है, और फिर इसको मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये देखो ये भी क्या हो गया तुम्हारा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस चीज को मुझे दिखाना है, इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग देखो कॉर्नर पकड़ते हैं, वहीं से समझ में आ जाएगा कैसे होने वाला है। तो मान लो ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर देखो ये है, तो इसको पहले मिला दिया, देखना ध्यान से, फिर देखो एक कॉर्नर ये है, अपोजिट फेस से जाना है, एक कॉर्नर ये है, अब देखना ध्यान से, ये डायगोनल देखो बन गया तुम्हारा,
इस वाले प्लेन को अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो यही सब चीजें हैं जो दिमाग में आपको रखे रहनी है। तो दो सिमेट्री हो गई, एक हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, और लास्ट है अपने पास, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी इसके नंबर भी आपको बताने हैं, थोड़ी देर बाद नंबर पे डिस्कशन करूंगा, पहले आप ये सारे प्लेन समझ जाइए और फिर आप जरा बताएंगे कितना कितना होता है। फिर देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो देखो भाई ध्यान से, अगर इसको जोड़ा जाए तो ध्यान से देखना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कहानी तो बहुत ही अच्छी है। जैसे देखो क्या है कि ये सॉलिड है ना, अब इस सॉलिड को हम लोग क्या करें, ऐसा इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करना है कि मैं इसको रोटेट करूं और ये सॉलिड वैसा ही दिखे तुम्हें। तो देखो हम क्या करते हैं, तो एक पॉइंट बना देते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये आपका एक पॉइंट है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसको रोटेट करके फिर से यही दिखा देना है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको एक बार रोटेट किया, ध्यान देखना अभी ये इधर सामने था, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको देखो, इसको मैंने एक बार ऐसे रोटेट किया, अभी नहीं दिख रहा है आपको। फिर देखो एक बार ऐसे रोटेट किया, नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। फिर देखो क्या किया, फिर एक बार ऐसे रोटेट किया, नहीं दिखा आपको। और फिर देखो एक ऐसे रोटेट कर दो तो आपको ये दिख जाएगा। बात समझ में आ गई ना। देखो ये आपको पॉइंट दिख रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बस ऐसे ही आपको सोचना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है। तो ये क्या होता है, देखो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये होता है इमेजिनरी स्ट्रेट ऑफ लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट ऑफ लाइन, इमेजिनरी है ना, या इमेजिनरी स्ट्रेट जो है प्योर इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है ये, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। जिससे हम लोग क्या करते हैं कि क्रिस्टल को अबाउट विच क्रिस्टल रोटेटेड, है ना, मतलब समझ में। तो मतलब जैसे तुम्हारे पास कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को मैं क्या करूं, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस में रोटेट करूं और वो क्रिस्टल फिर से वैसा अपीयर हो जाए, तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखो क्या होती है आपकी जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जिसको आप रोटेट करिए और आपको सेम अपीयरेंस मिल जाए, तो ऐसे सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखना जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक ना, ये कई सारे टाइप की होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कई सारे टाइप की होती है। एक होता है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, ऐसे बस याद रखते रहना। एक क्या होता है, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसकी बात थोड़ा कर दी जाए। जैसे मान लो कि ये पॉइंट तुम्हें दिख रहा था, हम लोग क्या करें, ठीक है ना, इसको जो है दो बार रोटेट करें और आपको ये दिख जाए। तो मान लो मैंने क्या किया, ऐसे मान लो ये पॉइंट मुझे दिखाना था, हम दो बार रोटेट करते हैं, देखना। पहले क्या किया मैंने, यहां से लाके यहां छोड़ दिया, एक रोटेशन हो गया, फिर इसको लाके इधर से इधर छोड़ दिया, तो ये दिख गया तुम्हें। तो ये इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन था, ऐसे समझिए आप, ऐसे पकड़ के तो नहीं दिखा सकते। इसके अंदर एक ऐसा इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, उसके अक्रॉस में ऐसे घुमा दूंगा तो अगर जो है आपको दो बार रोटेट करने के बाद दिख जाएगा, तो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर ऐसे होता है थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बस नहीं, फिर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर ऐसे हो गया देखो फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बस नहीं। तो ऐसे आप इसको बढ़ाते चले जाते हैं। फिर अगला है तुम्हारा, मान लो टू हो गया, थ्री हो गया, फोर फिर हो गया, सिक्स फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसे बनते चले जाएंगे। फिर देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ये जो फोल्ड है ना, ये एक्चुअली में बताता है, इसी से हम लोग बता सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो 360 डिवाइडेड बाई एन, ठीक है ना। एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है, 360 डिवाइडेड बाई एन, मतलब अगर एन की वैल्यू 2 रख दो तो देखना ध्यान से, एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 180, यानी टू फोल्ड में, ठीक ना, याद है ना, जो रोटेशन वाला एंगल होता है कितना हो गया, 180 डिग्री। ऐसे तुमसे बोले थ्री फोल्ड में, तो थ्री एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू क्या रख देनी है, 3, समझ में आ गया होगा आपको, कितना हो गया, 120 डिग्री। यानी 120 डिग्री पे आप जो है अगर, ठीक है ना, रोटेट कराएंगे सॉलिड को तो आपको सेम अपीयरेंस मिल सकता है। फिर अगला देखते हैं हम लोग फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके केस में जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा 360 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, देखो एन, एन की वैल्यू क्या रखूंगा, 4, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखना ध्यान से, अब आपसे पूछा करता है कि
कि आपका जो क्रिस्टल है ठीक है ना, उसमें कितने टाइप की जो है आपके जो है टोटल टाइप ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है। तो ये क्यूबिकल क्रिस्टल है मान लो, ठीक है ना, हमें क्या करना है इसी में बताना है कि कितने, क्योंकि हमें सारी स्टडी इसी क्यूब के लिए करनी है, सब सॉलिड को क्यूब जैसा मान के ही अपने को स्टडी करना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री बताइए कितना है, ठीक है ना, टाइप ऑफ सिमेट्री ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन क्रिस्टल, ठीक ना, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन क्रिस्टल, प्रेजेंट इन क्रिस्टल्स कितना होगा ये अपने को अच्छे से देखना है। और जरा देखते हैं हम लोग कैसे इसको बताएंगे। तो अब देखना ध्यान से, सॉलिड का जो क्रिस्टल है ठीक ना, इसको मैं थोड़ा डायग्राम में अच्छे से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ये जो सॉलिड है इसमें देखो प्लेन ऑफ क्रिस्टल, पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो तुम्हें अच्छे से पता है सारे सॉलिड में एक ही ग्रेविटी सेंटर होता है, क्लियर हो गया होगा। तो यानी जो सिमेट्री है पहले लिख दिया जाए सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लस क्या है देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्लस क्या हो गया देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों जोड़ के जितना होगा वही आपका टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में दो टाइप का, एक क्या हो जाएगा देखो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक क्या हो जाएगा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छे से ये सब याद रखते रहिएगा। तो हम लोग अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो किसी भी सॉलिड में सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होता है, वन, सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होता है वन, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, ये पूरे तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो होती है 13, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है इसको अच्छे से याद रखते रहना, ठीक ना। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो टोटल होती है ये कितनी है 13, आपको पूरे तो दिखा नहीं पाऊंगा इसलिए इसको अच्छे से याद रखते रहिएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है 13। अब आप मुझे जरा कितने रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और कितने डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ये आपको अच्छे से बताना है। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको अच्छे से बताना है कि कितनी हो जाएगी, है ना। इसी क्रिस्टल को ध्यान से देखो, इसी में समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग डायगोनल काउंट करते हैं, तो डायगोनल देखो एक, पहले हम लोग देखते हैं इसमें डायगोनल कितने हो गए, एक डायगोनल, दो डायगोनल, दो डायगोनल हो गया। फिर ऐसे देखो नीचे वाले में भी ये तीन डायगोनल, चार डायगोनल, फिर इधर से इधर मिला दो पांच, इधर से इधर मिला दो छह, ऐसे काउंट कर लो तो कितने डायगोनल हो जाएंगे तुम्हारे पास, बोलो भाई। देखो अगर आपके पास डायगोनल मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 12 भाई, छह साइड ऐसे देखिए आप, तो कॉर्नर कितने हो गए, एक दो तीन चार, है ना, इधर देखो पांच छह सात और आठ कॉर्नर, ठीक है ना। और साइड अगर काउंट कर लो देखो एक दो तीन चार, चार तो ये हो गई पांच, फिर इधर देखो छह, ये हो गई सात, फिर देखना ध्यान से ये हो गई आठ, ये हो गया नौ, ठीक है ना। फिर देखो ये नीचे का इधर वाला हो गया दस, इधर वाला हो गया ग्यारह, ठीक है ना, और फिर देखो इधर वाला हो गया आपका बारह, क्लियर हो गया ना। तो यानी आप डायगोनल जब बनाना शुरू करेंगे तो छह डायगोनल बना सकते हैं इधर उधर मिला के। तो जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो कितनी होती है, सिक्स। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, सिक्स। और जो रेक्टेंगुलर प्लेन है इसको देख लिया जाए, कितने रेक्टेंगुलर प्लेन बना सकते थे मैंने बताया था, एक प्लेन देखो ऐसा काट दूं मैं, है ना, ये देखो दो इक्वल हाफ में एक प्लेन हो गया, एक प्लेन देखो ऐसा काट दूं मैं, ठीक है ना, दो प्लेन हो गया, और तीसरा प्लेन देखो इस पे बीच से काट दूं मैं, तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, तीन। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, थ्री। समझ में आया, नहीं समझ में आया इधर देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री वन समझ में आ गया। अब देखो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर बनाता हूं मैं, सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्लेन सिमेट्री देखो, तो रेक्टेंगुलर प्लेन सिमेट्री अगर मैं बनाऊं तो ये देखना ध्यान से, रेक्टेंगुलर प्लेन सिमेट्री को अच्छे से देखो, इसी को इसी समझ जाओगे। ये देखना ध्यान से, आपका ये क्यूबिकल सॉलिड है, इसी मुझे देखना है कि कितने रेक्टेंगुलर प्लेन सिमेट्री है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें देखो सॉलिड दिख रहा होगा, एक प्लेन देखो ऐसा रेक्टेंगुलर बना के सबका देखो सारे एज का सेंटर ले लिया और सबको ज्वाइंट करके मैंने देखो काट दिया, ठीक ना। तो एक प्लेन सिमेट्री तो ये हो गई, दो इक्वल हाफ में कट गया। इधर देखो ये वाले साइड थे, इसकी एज लेंथ को मैंने आधा कर लिया, ठीक है ना, इधर से भी एज लेंथ आधा कर लिया, इधर से भी एज लेंथ आधा कर लिया, इधर से भी एज लेंथ आधा करके काट दिया, दो इक्वल हाफ में दिख जाएगा। एक और देखो ध्यान से, ये वाली एज में देखिए, इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो, इसका मिड पॉइंट लेके देखो इसको ज्वाइन कर दो, फिर देखो इसका मिड पॉइंट लेके इसको ज्वाइन कर दो, इसका मिड पॉइंट लेके देखो इसको ज्वाइन कर दो, और इसका मिड पॉइंट तो ज्वाइन हो गया। तो देखो एक प्लेन हो गया बीच से, तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगुलर वाली कितनी हो गई, थ्री। और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, अब देखना इसी को अपोजिट डायगोनल हमें मिलाने हैं, उसी से हम डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री काउंट करके तुम्हें दिखा देते हैं। ये देखो ध्यान से क्या हुआ भाई, ये देखना ध्यान से, एक डायगोनल ये है क्लियर, एक डायगोनल देखो नीचे है क्लियर,
यहां से इसको जोड़ दो, यहां से इसको जोड़ दो, एक डायगोनल प्लेन सिमेट्री हो गया। फिर देखो ध्यान से, इधर भी दिख ही रहा होगा कि देखो एक डायगोनल ये है, इसके पीछे वाले फेस पे एक डायगोनल ये है, ठीक ना। इसको दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करें, बाहर कर दें, तो यहां से भी जो है आपको डायगोनल प्लेन सिमेट्री। फिर अगला देखो ध्यान से, उल्टा देखते हैं, यहां देखो एक डायगोनल ये है, इसके अपोजिट भी ऐसा ही एक डायगोनल होगा, है ना। इसके अपोजिट भी देखेंगे ध्यान से, तो यहां ऐसा एक अपोजिट डायगोनल होगा, फिर इसको इसको मिला के जोड़ दिया, काट दिया जाए तो ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक ना। आप एक काम कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना, जो है आप एक क्यूब जो है माचिस जैसा, है ना, कागज से ही आप क्यूब एक बना लीजिए, ठीक ना। चार कागज मतलब थोड़े मोटे कागज लेके एक क्यूब आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको नजरिए आ जाएंगे, ठीक है ना। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 6 क्यूबिकल सिस्टम में। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 3। और एक्सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, अच्छे से याद रख रहे ना, क्यूबिकल सिस्टम में 13। तो टोटल सिमेट्री कितनी हो गई, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेन सिमेट्री 3 हो गया, डायगोनल प्लेन सिमेट्री बोलो, डायगोनल प्लेन सिमेट्री कितना हो गया, 6। और एक्सिस प्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 13। और टोटल अगर जोड़ दो तो कितना हो गया, देखो ये हो गया 4, 10, और ये इधर जोड़ दो 13, तो कितना हो गया, 23। ये सारे नंबर अच्छे से याद रखते रहना। टोटल सिमेट्री विद इन द सिस्टम, विद इन द क्रिस्टल कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 13। टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 9। प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल कितना, 3 रेक्टेंगुलर और 6 क्या हो गया, डायगोनल, ठीक है ना। तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री और 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और सब में सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 23। अच्छा क्वेश्चन आता है, इसे लैंग्वेज अच्छे से पकड़ लेना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सिमेट्री प्रेजेंट इन द सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है ना, या क्यूबिकल सिस्टम, तो आंसर क्या मारेंगे, 13, ठीक है, आंसर क्या मारेंगे, 23। और तुमसे क्वेश्चन पूछे टोटल नंबर ऑफ एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट इन द सॉलिड क्रिस्टल या क्यूबिकल सिस्टम, तो आंसर क्या मारेंगे, 13। टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछेगा तो क्या मारेंगे, 9। 9 में 3 कौन सा, रेक्टेंगुलर प्लेन, और 6 कौन सा, डायगोनल प्लेन, और 1 कौन सा, बोलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब यहां तक का नोट्स आपको पीडीएफ में आज मिल जाएगा, तो प्लीज उसको आप इस लेक्चर तक का कॉपी कर लीजिएगा।